नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हालांकि मैंने देखा यार यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज बन रखे हैं फोन पे की तरफ से कि फोन पे का जो कैशबैक फोन पे की तरफ से मिलता है उसको हम बैंक में ट्रांसफर कैसे करें, होता है या नहीं होता, इस वीडियो में फुल बताऊंगा दोस्तों, कंप्लीट बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको अगर फोन पे की तरफ से कोई भी कैशबैक मिलता है तो उसको आप बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर। हाँ कर पाओगे, एक रीजन है, एक कारण है, एक ट्रिक से आप कर सकते हो, तो इस वीडियो में वो बताऊंगा। लेकिन वो ट्रिक आपको अगर करनी है तो कीजिए, वरना नहीं कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फोन पे को नहीं जानते हैं, नहीं इस्तेमाल करते, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, साइन अप बोनस आपको 25 रुपये मिलेगा, आप मुझे 1 रुपये सेंड कर दीजिए। मैं आपको नीचे जैसे ही फोन पे जाओगे तो वहां पर आपको मैं UPI ID दे दूंगा, जिस कारण आप मुझे आप आसानी से सेंड कर सकते हैं 1 रुपये, ठीक है ना। और 1 रुपये जैसे ही सेंड करोगे आपको 25 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं फोन के होम स्क्रीन पर, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप अपना फोन पे वॉलेट का पैसा जो फोन पे की तरफ से मिला है उसको ट्रांसफर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो किस रीजन पे कर पाएंगे दोस्तों। और एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों मैं, जैसे आप बैंक से कोई भी पैसा अपने फोन पे वॉलेट में ऐड करते हो तो उस पैसे को आप आसानी से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, बिल्कुल विदाउट चार्ज, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर फोन पे की तरफ से आपको कैशबैक मिलता है, 25 रुपये मिला, 30 रुपये मिला, 75 रुपये मिला, 100 रुपये मिला, 100 रुपये मिला, तो इसको आप बैंक में ट्रांसफर कैसे कर पाएंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मुझे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज मिली, चलते हैं दोस्तों फोन के होम स्क्रीन पर और अपना खोलता हूँ फोन पे वॉलेट, जिस कारण मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों वहाँ पर आपको कैसे क्या करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अपने फ़ोन पे के अकाउंट पे आ चुका हूँ और मैं बताऊँगा कि आपको जो आपके वॉलेट पर पैसा मिला है उसको आपको बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखते रहिए। और जो फोन पे की तरफ से कैशबैक मिला है उसे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक कारण से कर सकते हैं और एक रीज़न से कर सकते हैं, वो कौन सा रीज़न है, कैसा रीज़न है दोस्तों, इसके लिए आपको इस जगह कोने पर आपको टाइप करना है, ठीक है ना। तो मैं टाइप कर देता हूँ, इसमें टाइप करूँगा, टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपना पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करने का दोस्तों। तो दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन है, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि इंटरनेट वीक है दोस्तों, यहाँ पर खुल चुका है। खुलने के बाद दोस्तों आपको इस जगह पर वॉलेट फोन पे गिफ्ट कार्ड यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और आपको यहाँ पर फोन पे का वॉलेट का ऑप्शन शो हो जाता है। जैसे ही वॉलेट पे क्लिक करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब फिर इस पर यहाँ पर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वॉलेट विड्रॉल, तो वॉलेट विड्रॉल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप किस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट ऐड करके और यस पर क्लिक कर देंगे, जिस कारण आपका पैसा बैंक वॉलेट का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों एक ट्रिक ये थी दोस्तों, आपको कैसी लगी दोस्तों। एक दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको इसे बैक कर लेना है, ठीक है। सिंपली मैं इसको बैक कर लेता हूँ, इसे इसको मैं बैक कर लिया। अब बैक करने के बाद सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन आ जाता है क्लोजिंग फोन पे वॉलेट, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। अब क्लोजिंग का ऑप्शन समझ चुके हैं कि आपको यहाँ पर आपका जो फोन पे का वॉलेट है यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे दोस्तों। क्लोज करने से क्या होगा दोस्तों, आपका जितना भी वॉलेट में पैसा होगा, पैसा होने के बाद आपका जो सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप क्लोज वॉलेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ आपके सामने कुछ इस नए प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट में बैलेंस है एक भी नहीं है, इस कारण मैं यहाँ पर विड्रॉल नहीं करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर विड्रॉल वॉलेट बैलेंस पर आप क्लिक करके आसानी से आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। फिर इसको आपको रीएक्टिवेट मतलब रीएक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये आपका फोन पे वॉलेट का डीएक्टिवेट हो जाएगा और जितना जितना आपका पैसा आ रहा है इसमें चला जाएगा बैंक में दोस्तों। तो इस कंडीशन में मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका फोन पे वॉलेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है आगे रीएक्टिवेट करने के लिए दोस्तों। तो फोन पे का वॉलेट का पैसा अपना यूज कीजिए, रिचार्ज किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, बाकी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते दोस्तों। अगर ट्रांसफर करना है तो खाली एक यही जरिया है, खाली अपने फोन पे वॉलेट को डीएक्टिवेट कर दीजिए, आपका पैसा आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।